हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हम जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं और अगर हम उस यूट्यूब एप्लीकेशन से बाहर आ जाएँ, मतलब होम स्क्रीन पे आ जाएँ या फिर कोई दूसरी ऐप ओपन कर लें, तो हमारी जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही होती है यूट्यूब पे, वो बंद हो जाती है, वो नहीं चलती। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में कैसे चला सकते हैं, कैसे प्ले कर सकते हैं। मतलब आपकी वीडियो, चाहे आप कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हों, फिर भी वो आपकी वीडियो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। मैं आपको बिना किसी एप्लीकेशन के ये सिखाऊंगा। आपको किसी भी एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसे ईजिली कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमें सबसे पहले यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुल चुकी है। यहाँ पे अपने चैनल के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, ये आ गया सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारे नॉन कॉपीराइटेड साउंड होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये वाली एक वीडियो है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये चलनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्स आ रही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से चलनी शुरू हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आती है। जैसे हम अब होम पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, तो वो पीछे बैकग्राउंड में चलनी बंद हो जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम दोबारा यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, इसको तो हम स्टॉप ही रखेंगे। उसके बाद आपको जैसे ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को लिंक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है इस वीडियो में ही, तो मैं शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी लिंक का जो ये ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूँगा, तो ये लिंक यहाँ से कॉपी हो गया। उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और उस लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करते ही गो पे क्लिक कर देना है, तो ये इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे ये डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये इस तरीके से डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से स्किप एड्स हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे प्ले करेंगे। ये मैंने प्ले कर दिया है, इसको स्किप एड्स कर देते हैं। ये प्ले हो रहा है अब यहाँ पे। अब यहाँ से हम जैसे ही इस क्रोम से बाहर आएंगे, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉप हो गया है, ये रहा। यहाँ पे इसको हम प्ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये हमारा बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में चलाना सीख सकते हैं या चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे कमेंट में आप ये भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक्स और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।